हमीरपुर जिला के घोड़ी दमीरी के पास शुक्रखड में सरकार के मानकों को ताक पर रखकर जेसीबी के माध्यम से खनन किया जा रहा है, जिसके चलते चार पंचायतों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। अवैध तरीके से हो रहे खनन के चलते पेयजल योजनाओं के साथ पानी का स्तर भी गिरता जा रहा है, तो बिलासपुर जिला को जोड़ने वाले पुल की नींव भी खतरे में है। इसके साथ ही खड के साथ लगती हजारों कनाल भूमि भी कटान की वजह से हर बार बह जाती है, जिससे खेती बाड़ी पर खतरे के बादल छाए हुए हैं। बता दें कि बड़सर उपमंडल के घोड़ी दमीरी के पास शुक्र खड पर स्थापित शुक्र स्टोन क्रैशर के विरोध में तीन पंचायतों के प्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज करवाया। तीन पंचायत के प्रतिनिधियों में ग्राम पंचायत बड़ा ग्राम की प्रधान बलराम, जमली पंचायत की प्रधान अनुराधा, वार्ड पंच श्याम सिंह, धर्म सिंह तथा घोड़ी दमीरी पंचायत के प्रधान रविंदर सिंह सहित उप प्रधान व सदस्य, जबकि जमली पंचायत के पूर्व प्रधान दीनानाथ सहित स्थानीय लोग भी शामिल थे। उगत लोगों ने यहां स्थापित शुक्र स्टोन क्रैशर का जमकर विरोध किया। प्रतिनिधियों पर लोगों का आरोप है कि शुक्र स्टोन क्रैशर अवैध तरीके से स्थापित किया गया है। इस मामले की जांच जिला प्रशासन और खनन विभाग को समय रहते करनी चाहिए, अन्यथा स्थानीय लोग बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। हमारा मेन मकसद सर ये है कि हम तीन पंचायतों के सदस्य भी हैं, बड़ा गांव पंचायत से प्रधान, उप प्रधान पूरी पंचायत, घोड़ी दमीरी पंचायत के प्रधान और समस्त पंचायत, और जमड़ी पंचायत के पूर्व प्रधान श्री दीनानाथ जी, हम सब इकट्ठे हुए हैं और बाकी इलाका निवासी हमारी पंचायत के, जमड़ी के और घोड़ी दमीरी के इलाका निवासी हैं। सर हमें इस क्रैशर से इतनी दिक्कत हो रही है, ये रात को नहीं सोने देते, और जो इस टाइम क्रैशर लगा, जब हम इसका तय तक गए तो हमें पता चला कि जो क्रैशर लगा है वो क्रैशर लगा है राकेश कुमार सन ऑफ किशोरी लाल की जमीन में, और वो जमीन जो मालिकाना का है उस जमीन का, वो है कुलदीप चंद सन ऑफ निकाराम गांव चौकी वाले का, और कुलदीप चंद ने जो जमीन का एफिडेविट दिया है क्रैशर लगाने के लिए वो दिया है राकेश कुमार को, है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, राकेश कुमार को दिया है। और जिस जमीन पर उसकी संजय की परमिशन है उस जमीन पर क्रैशर है नहीं, इसका मतलब यह है कि जो क्रैशर लगा है अवैध जमीन पे है, अवैध जमीन पे है, इस क्रैशर को यहाँ से उठना चाहिए, है ना? और इसे हम सभी परेशान हैं, सभी इलाका परेशान है, रात को भी धूल, दिन को भी, रात के 10-10 बजे चलाते रहते हैं, सुबह 4 बजे चलाते देते हैं, उठ खड में मशीनें भी लगाते हैं, कहते हैं खड में, और सर इनका जो जैसी मशीन है जी उससे भरते हैं अपने ट्रैक्टर, और सर कम से कम कहीं से 5 फुट कहीं से 6 फुट का खड डाल दिए हैं बीच में, और आज पानी का लेवल इतना डाउन चुका, हमारी जो बॉडियाँ थी जो कुएँ थे वो भी आज सूखने की कगार पे आ गए हैं, पंप हाउस बंद हो रहे हैं हमारे। आपकी क्या डिमांड है? हमारी सब इलाका निवासियों की, पंचायतों की, तीनों पंचायतों की और इलाका निवासियों की डिमांड ये है कि इस अवैध क्रैश को बंद किया जाए, और हमें इस क्रैश की कोई जरूरत नहीं है, इससे सारे इलाके को परेशान नहीं है, क्यों भाई ऐसा नहीं है? सभी को पूछ लो, स्ट्राइक हुई सर पहले, और हम अगले के लिए बोल रहे हैं कि अगर प्रशासन इस क्रैशर को, अवैध क्रैशर को बंद नहीं करता तो हमें कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पंचायत प्रतिनिधियों व लोगों का कहना है कि अवैध खनन करने से उनकी जमीन को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टोन क्रैशर स्थापित करते समय सभी नियमों व शर्तों को दरकिनार किया गया है, जिसका खामियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और आज आप जो इकट्ठे हुए हैं इस विषय में हुए हैं कि ये जो क्रैशर का जो है ना जी अवैध लगा हुआ है, इसका कोई वो नहीं है, जो NOC ली थी उन्होंने, NOC किसी और के नाम की है, और ये और दूसरा कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं, जिससे पानी की जो हमारी तमाम स्कीमें हैं वो बंद होने के कगार पर हैं। लाखों रुपया गवर्नमेंट ने लगाया है, पानी जो नीचे से इधर उठा रहे हैं इसको, इसकी पानी की अपनी स्कीमें हैं जितनी भी, ये सब बंद होने की कगार पर है। और जिस टाइम ये NOC ली इन्होंने ली थी, उस टाइम ये नहीं बताया गया था कि हम जो इसका क्रशर का काम करेंगे, हम जो इसका करेंगे तो JCB के माध्यम से करेंगे। अभी रात को भी JCB लगती है, बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है, और जब हमने इसने इलेक्शन जो मैंने लड़ा था वो मेरा लोगों के साथ ये मुद्दा था कि ये क्रैशर जो अवैध लगा हुआ था तो इसको, इसके बारे में हम सरकार के जो इसमें ध्यान में लाएंगे कि इस क्रैशर को बंद किया जाए, ये हमारी सरकार से अपील है। और जो आप देखो इसको कैमरा इधर घुमा के देखो आप, कितना इसका 4-4, 5-5 फुट नीचे चला गया पानी का स्तर जो है, लेवल इसका पानी का डाउन हो रहा है, दिन पर दिन डाउन हो रहा है, और ये पुल जो है नीचे देखो आप, अगर इधर कैमरामैन उधर नज़र घुमाएंगे तो जो पुल जो है वो भी इसके, इसका जो इसकी फाउंडेशन है वो भी खतरे में है।
तो हमारी सरकार से ये अपील है कि इसके बारे में जो तुरंत कार्रवाई की जाए और जो अवैध है ये इसके बारे में सरकार जो है वो ध्यान वो करे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अवैध खनन से शुक्र खड़ पर स्थापित चार पेयजल योजनाएं प्रभावित हो रही हैं और साथ ही गांवों के लिए स्थापित हैडपंपों के पानी का जल स्तर भी कम हुआ है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर व बिलासपुर को जोड़ने वाले नदी के ऊपर बने पुल को अवैध खनन से खतरा पैदा हो गया है, किसानों की भूमि का कटाव हो रहा है और खनन माफिया रात के अंधेरे में जेसीबी के माध्यम से लगातार खनन कर रहे हैं। ग्राम दबीरी का रहने वाला हूं जी, और हमारे को इस जो क्रेशर लगा हुआ ना जी यहाँ, इस क्रेशर की हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसके जो पंप हाउस है वो भी ख़राब हो गए, ज़मीन जो बोने वाली थी वो भी अड़ गई और वो पाड़ी के ने उखाड़ ली और मशीनें लगा रहे हैं, मशीनों से ये वो कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं। और दूसरी बात भाई, जो क्रेशर है ये NOC किसी और के नाम पर है और चलाने वाले का कोई पता नहीं है कौन है कौन नहीं है, ये अपनी बदमाशी दिखा रहे हैं। इधर अवैध है और बिल्कुल ही इन आदमी को पता नहीं कि आदमी कौन है कौन नहीं है, बस यही मेरी प्रॉब्लम है जी। हम सरकार से मांगते हैं जी इस क्रेशर को बंद कराया जाए, हम ये अनुरोध करते हैं कि ये क्रेशर बंद होना चाहिए क्योंकि हमारे पब्लिक बिल्कुल पानी निराज ना, अब घराटों वाले घराट खत्म हो गए, जमीन वाले जमीन खत्म हो गई, 972 कनाल का जनाद भीरी का है जो कि सारा खड्ड में मिल गया, उखाड़ लिया इन्होंने, और जो पुल है इसकी बिल्कुल फाउंडेशन निकल गई है जनाब, 1 मीटर भी पत्थर नहीं रहा इसके, इसमें तो इतना नुकसान है, हमारा पब्लिक का नुकसान है और ये लोग पता नहीं कौन है कौन नहीं है, हम नहीं इनको जानते हैं। कितनी पंचायतें इफेक्ट हो रही है इसमें? हमारे पास इस टाइम 3 पंचायतें इकट्ठी है जी, इसमें ये हमारी तीनों की जी, तीनों की है, तीन ही पंचायतों की है। तो दबीरी का 972 है तो पता नहीं अब चौकी का कितना, इतना मैंने एस्टिमेट लिया सर। नहीं लीज भी तो है, मानो जी लीज भी होगी, जिसकी होगी ना उससे बात करें, इनका जब ये मालिक ही नहीं है, कोई है ही नहीं, इसका कोई मालिक ही नहीं है, जो मालिक है वो इधर कोई भी नहीं है। यार प्रशासन को हम ये कहते हैं कि जल्द से जल्द कोई हल करें, नहीं तो हम 3 दिन की हिदायत देंगे इनको, अगर इन्होंने बंद किया तो दी बेटर, अगर नहीं बंद किया तो हम इनकी कनेक्शन बंद कर देंगे खुद। जमली पंचायत की प्रधान अनुराधा देवी ने कहा कि सरकार प्रशासन को शीघ्र इस क्रेशर को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने उपायुक्त हमीरपुर देवा श्वेता बनिक से मांग की है कि शीघ्र ही इस स्टोन क्रेशर मामले की जांच करवाएं, अन्यथा तीनों पंचायत के लोग जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। उक्त प्रतिनिधियों लोगों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी अवैध खनन पर रोक लगाने का आग्रह किया है। हमारी ये डिमांड है कि इस क्रेशर को यहाँ से बंद किया जाए। लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं इसलिए कि बच्चे भी पढ़ने के लिए परेशान हो गए हैं। ये रात में ये अवैध जगह पर लगाया गया है और हमारी सबकी ये डिमांड है कि इसको यहाँ से बंद कर दिया जाए। सबको परेशानी हो रही है, इस खड्ड में से इतना पानी का लेवल भी ऊपर नीचे चला गया है और हमारी सबकी ये डिमांड है कि इसको बस यहाँ से उठा दिया जाए। हाँ, पंप हाउस वगैरह भी बंद हो गए हैं। हाँ जी, और यहाँ पे पुल को भी खतरा हो रहा है। बेही बड़ा ग्राम पंचायत के वार्ड पंच श्याम सिंह का कहना है कि अवैध खनन के चलते पानी की स्कीमें प्रभावित हो रही हैं, जल्द से जल्द क्रेशर को बंद किया जाए। नाम है जी श्री श्याम सिंह, बड़ा गांव पंचायत के वार्ड मेंबर, 3 वार्ड का वार्ड मेंबर हूँ। और जो भी ये क्रेशर लगा है, अवैध जगह में लगा है, हमारी गुजार शिकायत है पूरे तीनों पंचायतों की, बड़ागांव की और घोड़ी दबीरी की प्लस जमली वालों की। इनका ये कहना है कि जो अवैध जगह में क्रेशर लगा है उसको बंद किया जाए और जो भी रोड के साथ ग्रीन बेल्ट में जो जितने भी हैंडपंप लगे हैं उनकी पानी की सतह सबसे नीचे चली गई है, जो कि पब्लिक के लिए आने वाले टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ये शिकायत है हमारी सरकार से कि इस अवैध जगह में जो भी क्रेशर लगा इसको जल्दी से जल्दी बंद कराया जाए। बही क्रेशर में मौजूद कर्मचारी करण राणा का कहना है कि हमारे पास खनन करने के लिए एम फॉर्म उपलब्ध है जो कि सरकार ने जारी किया है, उसी के तहत क्रेशर में काम किया जा रहा है। गांव वाले हर रोज हमें खनन को लेकर परेशान कर रहे हैं। सर हमारे पास जो है, हम लीगल माइनिंग कर रहे हैं और अपने लीज एरिए से माल उठा रहे हैं। अगर हम लीगल माइनिंग करते तो हमें सरकार ये जो एम फॉर्म मैंने आपको दिखा रहा हूँ डिपार्टमेंटली के थ्रू जो दिया गया है, जिसके हम पैसे भरते हैं हम महीने टू महीना, और तो हमें ये फॉर्म एम फॉर्म नहीं मिलते। और
जितना भी हमने 507 कनाल जो हमारा लीज एरिया पुल से नीचे भी डेढ़ कनाल तक का जो लीज एरिया हमारे तक वहाँ तक अभी तक हम पहुँचे नहीं है। बस मेरा बोलने का मतलब यह है कि यहाँ पे सारे जितने भी हैं सारे जो हमारे लीज के साथ साथ जिनकी ज़मीनें हैं जिनके घर वो सारे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और उसका नाजायज हमारा फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं और गांव के जो प्रधान है पंच है जिनको इनके बारे में कुछ पता नहीं है उनको भड़का रहे हैं और हमारे अंगेंस्ट कार्रवाई करवा रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि हम इलीगल माइनिंग करते हो माइनिंग ऑफिस जाओ, हमारा जो चिट्ठा है कि हमने सरकार को पैसे भरे हैं कि नहीं भरे, कि बिजली का बिल भरा है कि नहीं भरा है, वो आप पूरा बायोडाटा आप हमारे हमीरपुर माइनिंग ऑफिस से ले सकते हैं। जेसीबी के माध्यम से आपने अभी देखा होगा कि आप अभी करप्शन में थे, जेसीबी के माध्यम से कोई भी खनन नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। ये सारे झूठे आरोप हैं और अगर इनके पास कोई प्रूफ है तो वो हमें बताएं कि अगर हम जेसीबी से माइनिंग करते तो वो प्रूफ हमें या आप लोगों को मीडिया के थ्रू बताएं। इज़ द ऑनर ऑफ दिस क्रशर और लीज जो हमारे मालिक है वो हमीरपुर में बैठते हैं आशीष शर्मा जी, जिनके ऑलरेडी 3 क्रशर वहाँ पे लगे हुए हैं। बिहिंग जिला खनन अधिकारी हमीरपुर हरविंदर सिंह ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी, अगर ऐसा मामला है तो मौके पर जाकर निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से खनन करने पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। देखिए आज आपके माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ लोग वहाँ पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी जो क्रशर इंस्टॉल्ड है घोड़ी दबीरी के पास में उसके लिए ग्रांटेड माइनिंग लीज एरिया है और जैसा कि आपने ध्यान में लाई है बात ये कि वहाँ पे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसको वेरीफाई करते हैं, विजिट करते हैं और कंसर्न पंचायत प्रधान से भी मिलेंगे ताकि जो भी उनके ग्रीवेंसेज हैं उनको सेटल कर पाए।